भाई साहब ये लगा दी भाई ने कर रहे भाई भाई हमारे कैमरामैन भी आ रखे हैं। हेलो नमस्ते शशकाल जी सारे नु वी आर बैक विद अदर वीडियो। सामने देख लो भाई आज हम आ गए प्रिंसिपी रेस्टोरेंट पे, ठीक है। और यहाँ पर भाई एक अनलिमिटेड ऑफर चल रही है जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ठीक है। 199 के अंदर भाई दे रहे हैं अनलिमिटेड थाली। जल्दी से चलते हैं अंदर और ओनर से एक बार बात करते हैं। तो आइए भाई। तो भाई सामने देख लो ये आगे आगे करता रहता है कि ओनर सर एक बार अपना नाम बता दो। योगेश गुसाई नाम है मेरा। अच्छा तो योगेश सर क्या ऑफर निकाल दिया अपनी, एक बार ऑफर के बारे में बता दो थोड़ा सा हमारे को। हमने अभी थाली का निकाला हुआ है, इसके अलावा छोले भटूरे का और गोलगप्पे का है। अच्छा, अनलिमिटेड के अंदर। तो मतलब अनलिमिटेड के अंदर आपको तीन तीन ऑफर मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले थाली का ऑफर बता दो, आज थाली आपकी टेस्ट करने आए हम। थाली का ऑफर ये है कि उसमें हम लोग अनलिमिटेड थाली दे रहे हैं, उसमें वन टाइम सर्व है, जलजीरा और डिजर्ट। बाकी आपका नूडल्स है, मंचूरियन है, शाही पनीर है, दाल मखनी है, रोटी और नान है। मतलब मुंह में आ गया पानी भाई, मुंह में पानी दिलवा दिया भैया ने। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। और कितने का होने वाला ये? 199 का अनलिमिटेड ऑफर है, मतलब जितना चाहूंगा उतना खाऊंगा, है ना। बिल्कुल रोकोगे टोकोगे तो नहीं ना, बिल्कुल भी। मतलब मेरे अलावा और कोई आएगा यहाँ पे उनको भी तो नहीं रोकोगे ना। ये सबके लिए ऑफर, सबके लिए ऑफर है ना। चलो भाई, तो भाई थोड़ी सी अपनी लोकेशन समझा दो। लोकेशन हम लोग सेक्टर 3 पड़ता है, अग्रसेन मार्ग नियर बुद्ध चौक, सामने हमारा लीक हॉस्पिटल है। ओके जी। बाकी भाई गूगल मैप की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। बाकी थोड़ी सी भैया जल्दी से चलते हैं किचन के अंदर, थोड़ी सी अभी किचन देखते हैं, व्यूअर्स को दिखाते हैं और उसके बाद भाई थोड़ा सा मतलब मेकिंग दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, ठीक है। तो आइए पहन लीजिएगा बस किचन में जाने से। ठीक है ठीक है, कैप जरूर पहन लेंगे भाई। और बाकी भाई मैं आपको थोड़ा सा मतलब दिखा दूँ, जितने भी सारे शेफ वगैरह सामने खड़े हैं सबने कैप पहन रखी है, ठीक है। तो मतलब फुल सैनिटाइजेशन का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। तो जल्दी से चलते हैं किचन के अंदर और जल्दी से देखते हैं थोड़ा सा मतलब मेकिंग इनकी। तो आइए। तो भाई ये पहले क्या आ गया भैया? जी टमाटर, टमाटर की ग्रेवी आ गई और साथ में अच्छा काजू, काजू की भी होती है जी ग्रेवी। अच्छा काजू की पेस्ट आ गई साथ में भाई। ये नमक आ गया, कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी आ गई, चिली आ गई भाई, अच्छा वो चीनी, इलायची पाउडर आ गया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले भाई अपना शाही पनीर तैयार हो रहा है, ठीक है। अच्छा हम ये बटर कौन सा यूज करते हो? अमूल बटर यूज करते हो। अच्छा देख के ही ना भूख लगनी चालू हो गई है अब। चलो भाई शाही पनीर तो तैयार हो गया। तो भाई दाल मखनी आ गई, थोड़ा नमक, थोड़ा किचन के लिए थोड़ा कस्तूरी मेथी मिर्च, पहले से प्रिपेयर रहती है। चलो भाई देख लो भाई, सामने देख लो अमूल की क्रीम आ गई है, ठीक है। तो भाई अब अपना पहले मंचूरियन बन रहा है। हाँ सर, ठीक है। तो भाई मंचूरियन की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा जिंजर गार्लिक आ गया भाई।
आ गया भाई प्याज। भाई साहब ये लगा दी भाई ने आग। अच्छा नूडल्स की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। तो भाई सामने देख लो हम आ गए अपनी टेबल पे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा आपको एंबियंस दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा कैमरा मैन को बोलो घुमा दो एक बार, थोड़ा सा एंबियंस दिखा दो आसपास का, ये देख लो भाई। अच्छा सुनो, अब मैंने ना चारों तरफ चारों लाइन चारों यहाँ पर यूं भाई जल्दी से भाई। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जब आप आओगे तो सबसे पहले आपको वेलकम ड्रिंक सर्व होगी, ठीक है। ठीक है तो भाई जल्दी से मंगवाते अपनी वेलकम ड्रिंक। तो ये देख लो सामने आ गए भाई वेलकम ड्रिंक जलजीरा। तो भाई जलजीरा आ गया, ठीक है। तो भाई वेलकम ड्रिंक पहले आ गई है, फिर उसके बाद अब हम अपनी थाली लगवाते हैं, उसका टेस्ट करके आपको बताते हैं थोड़ा सा टेस्ट उसका। ये मुश्किल से कटता है, इसलिए 50 का है। क्या प्यारी थाली है यार, ये बहुत ही बढ़िया पूरी थाली आ चुकी है सामने देख लो भाई, और कितनी प्यारी लग रही है थाली, मतलब मजा आ गया भाई। और इस एम्बियंस के अंदर आपको ऐसी थाली मिल जाए तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया भाई आज तो, ठीक है। तो भाई अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी सारी चीजें कि किससे स्टार्ट करूं। मैं सोच रहा हूँ पहले स्टार्टर से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके मेन कोर्स पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि कई वीडियो में मैंने थाली टेस्ट करी है, पहली मेन कोर्स से कर दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टर पे आएंगे। ये भाई पतले पतले से नूडल्स दिख रहे हैं, देखते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा होता है। अगर मैं आपको नूडल्स का टेस्ट बताऊं तो भाई नूडल्स सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि अनलिमिटेड डील है तो कहीं पे किसी क्वालिटी का मतलब कमी दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार्टर पे, और जल्दी से आते हैं मंचूरियन पे जो कि मेरा फेवरेट, ठीक है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो थाली अनलिमिटेड आती है कि भाई जो मंचूरियन है वो हर बंदा नहीं बना पाता ढंग से, देखते हैं भाई इन्होंने कैसे बनाया। तो भाई
अगर मैं कहता हूँ कि मतलब मंचूरियन के अंदर अगर ये पास है तो मेरे हिसाब से मेन कोर्स में भी इनका अच्छा खासा हाथ होगा। बाकी भाई एक बार ना मैं ब्रेड्स के साथ, क्योंकि ब्रेड्स अभी हमारी गरम गरम लगी हुई है, तो ब्रेड्स के साथ मैं सबसे पहले जो टेस्ट करना चाहूँगा वो सब्जी होगी ये अपनी दाल मखनी। ठीक है, दाल मखनी चेकआउट करो भाई। ओह मज़ा आ गया भाई, ये देखो जल्दी से एक बाइट निकालते हैं दाल मखनी की बहुत जल्दी से, क्योंकि भाई भूख लग रही है भाई ज़बरदस्त वाली। अगर मैं आपको बात बताऊं दाल मखनी का, दाल मखनी बहुत ज़्यादा मुझे क्रीमी लगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, दाल मखनी मुझे नॉर्मल लगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और मतलब क्रीमी टेक्सचर में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैं नान के साथ टेस्ट करना चाहूँगा शाही पनीर को। थोड़ा क्रंची सा नान है, ठीक है, थोड़ा सा पनीर भी तोड़ लेते हैं जल्दी से भाई। ये बना ली एक बाइट, ठीक है, तो जैसे कि इसको हम खाने लगे हैं तो भाई आप कर देना वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं बताऊँ शाही पनीर का स्वाद, तो भाई थोड़ा सा मतलब मिठास में ज़्यादा है, ठीक है, इनकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी मतलब मिठास में है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है इन सब चीज़ों में, ठीक है, शाही पनीर थोड़ा सा मिठास में हो तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। अब भाई चावल हो गए अपने और ये रायता है, रायता भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। रायता भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है कोई पतला रायता दे रहा हो, पानी वानी मिक्स करके कुछ ऐसा सीन नहीं है, रायता भी ठीक है। और चावल की अगर मैं बात करूँ तो चावल का दाना आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा भाई, ये देख लो भाई अलग अलग दाना है, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ये देखो अलग अलग दाना है, ठीक है, ये देखो भाई बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। बाकी भाई ये मिला हमें गुलाब जामुन, ठीक है, तो भाई इसे भी थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेते हैं, अब इतना कर लिया तो भाई मेरे हिसाब से गुलाब जामुन जो है यहाँ पे खुद बनते हैं, ठीक है, तो भाई स्वाद है वो ऐसा नहीं है कि भाई किसी मतलब अनलिमिटेड डील के अंदर है तो भाई स्वाद कम हो या फिर स्वाद पे कॉम्प्रोमाइज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, स्वाद ज़बरदस्त है और अनलिमिटेड भी है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए ऐसी ज़बरदस्ती ऑफर्स, ठीक है भाई, जल्दी इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड। भाई यही था आज की वीडियो के अंदर, जल्दी ही चलते हैं ओनर से बात करते हैं। तो सर जो थाली थी वो उसकी मतलब मैं सही बताऊंगा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मैंने कस्टमर्स को भी अपने ऑनेस्ट रिव्यू दिए हैं, मेरे को सारी आइटम आपकी बहुत लाजवाब लगी, ठीक है, एक बस मेरे को जो दाल मखनी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रीमी लगी मेरे को, ठीक है, वो बाकी सारी बहुत मतलब लाजवाब थी मेरे को टेस्ट के अंदर, क्रीम थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हो गई थी, मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा उसके अंदर, ठीक है, बाकी भाई बाकी बहुत बढ़िया थी, ठीक है, जिन जिनको मतलब क्रीमी दाल मखनी पसंद है उनको तो मतलब मज़ा आने वाला है उनका, ठीक है, बाकी भाई मेरे को थोड़ी सी क्रीम का थोड़ा लगता है, ठीक है। तो भाई यही था आज की वीडियो के अंदर, और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे कस्टमर्स को? बस हम लोग छोटी मोटी किटी पार्टी वगैरह और छोटे मोटे फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं यहाँ पे, अराउंड 100 की सिटिंग है हमारे पास, तो कोई छोटी पार्टी भी है तो वो भी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो भाई यही था आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई हमारे कैमरामैन भी आ रखे हैं साथ, ये क्या कर रहे हो भाई? हैं भाई मेकिंग नहीं, वीडियो भी शूट करानी, ये सब करना है।